वडोदरा शहर में अब कोरोना वायरस का संक्रमण कॉरपोरेशन द्वारा धीमे धीमे अब ज्यादा दर्शाते हुए आज भी 46 नए पॉजिटिव केस दर्ज किए गए हैं। कुल मिलाकर दर्दियों का आंकड़ा वडोदरा शहर के लिए अब 24,614 पर पहुंच चुका है, तो वहीं लगातार मृत्यु आंकड़ा पिछले कई दिनों से 241 पर ही स्थिर बना है। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा अब स्थानिक स्वराज के चुनाव के बाद अब ये कोरोना वायरस का संक्रमण धीमे धीमे ज्यादा दर्शाया जा रहा है। चुनावी प्रचार के दौरान मतदारों को रिझाने के लिए भीड़ इकट्ठा होने के बावजूद कोरोना वायरस का संक्रमण ताज्जुब की तौर से काफी कम और घट रहा था, तो वहीं कॉरपोरेशन द्वारा एक बार फिर आंकड़ों का खेल खेलते हुए अब ये संक्रमण को धीमे धीमे ज्यादा दर्शाया जा रहा है और लोगों के बीच अब ये कोरोना वायरस का संक्रमण का डर भी बढ़ रहा है। तो वहीं आज 46 के साथ नए पॉजिटिव केस दर्ज हुए हैं। कुल मिलाकर दर्दियों का आंकड़ा वडोदरा शहर के लिए 24,614 पर पहुंच चुका है। बीते 24 घंटे के दौरान कॉरपोरेशन द्वारा 2,240 जितने लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 46 नए पॉजिटिव दर्ज हुए हैं, तो वहीं मृत्यु आंक लगातार पिछले कई दिनों से 241 पर ही स्थिर बना है। आज 45 जितने लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। कुल मिलाकर अभी तक 23,794 जितने लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। आज नए बने कोरोना पॉजिटिव विस्तारों में से गाजरावाड़ी, अकोटा, गोकुलनगर, सुदामापुरी, संवाद, छानी, यमुना मिल, सुभानपुरा, दंतेश्वर, वारसिया तथा वडोदरा के ग्रामीण डभोई, कायावरोहन, करजन, पादरा, सावली, सिनोर आदि विस्तार से कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज हुए थे।